आज का दिन डॉक्टरों के लिए खास माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस केंद्र सरकार द्वारा मनाने की शुरुआत की गई थी। यह दिवस देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आज के दिन आम से लेकर खास लोग डॉक्टरों को सम्मान देते हैं। इसी क्रम में झरिया में भी मारवाड़ी युवा मंच और सिंदरी SDPO अभिषेक कुमार ने डॉक्टरों को सम्मानित किया। डॉक्टरों को सम्मानित करने के बाद SDPO ने कहा कि डॉक्टर के बारे में जितना बोले वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी धरती पर भगवान का दूसरा रूप ही है। डॉक्टर ने अपनी जान पर खेल कर इस कोरोना काल में लोगों को बचाया है, इसलिए डॉक्टर दिवस पर इनके सम्मानित के लिए कोई भी शब्द कम पड़ जाएगा। वहीं सम्मान करने आए मारवाड़ी युवा मंच के लोगों ने आज के दिन को लेकर कहा कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर, जो इन दो वर्षों में खास कर दिखा। सर, आज 1 जुलाई है, आज डॉक्टर्स डे के रूप में पूरा इंडिया में मनाया जाता है, तो हम लोग भी डॉक्टर द्वारा की गई सेवा का एक छोटा सा सम्मान दे करके अपने आप को बड़ा भाग्यशाली बनेंगे। ऐसे हमारे मारवाड़ी युवा मंच झरिया शाखा हमेशा से ही ऐसे डे को बहुत बृहत रूप से सेलिब्रेट करती है, उसकी एक छोटा सा नमूना आज हम लोग करने आए हैं। शहर के सभी डॉक्टर को हमारे विशेषकर झरिया नगर में जो सेवा दे रहे हैं उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ डॉक्टर्स डे को बना रहे हैं। सर, कभी ऐसा ही वक्त आता है कि कभी डॉक्टर को भगवान का रूप का दर्जा दिया जाता है, कभी उनसे भगवान का दर्जा छीन लिया जाता है, जब आप मतलब विवाद हो जाता है किसी कारणवश, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे और क्या आगे के लिए लोगों को? सर देखिए, ये सब मानसिक दिमाग का ही खेल है। डॉक्टर हमेशा भगवान है तो भगवान ही रहेंगे। कभी भी कोई भी डॉक्टर, मेरे हिसाब से क्या आप भी अपने अगर मन स्थिति को जांचेंगे तो कभी भी कोई डॉक्टर किसी का अहित नहीं चाहेगा। अगर पेशेंट अच्छा होता है तभी डॉक्टर को भी खुशी होती है और समाज को भी खुशी होती है, तो वो जानबूझ करके तो कभी किसी को करेगा नहीं। क्योंकि ये एक कहावत भी है कि मेडिसिन क्योर्स द डिजीज़ बट डॉक्टर्स क्योर द पेशेंट। पेशेंट डॉक्टर से ही अच्छा होता है, दवाइयों से तो सिर्फ बीमारियाँ जाती हैं। पेशेंट को अच्छा करने के लिए डॉक्टर ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो हार्टफेल्ट रिलेशन रखते हैं, कि वो हृदय के साथ पेशेंट के साथ रिलेशन रखते हैं, तभी कोई भी पेशेंट ठीक होता है। तो डॉक्टर के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार करे तो बहुत शर्मनाक है, समाज के लिए वैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश में वैश्विक महामारी कोरोना अपना कहर बरपा रहा था तो डॉक्टरों ने अपनी जान की प्रवाह किए बगैर भगवान का दूसरा रूप दिखाते हुए मरीजों का इलाज किया। यही नहीं, इस महामारी में मरीजों का इलाज करते हुए कितने डॉक्टरों की जान तक चली गई, बावजूद इसके डॉक्टर पीछे नहीं हटे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जो डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं वह सरासर गलत है, क्योंकि डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि किसी मरीज की जान उनके हाथों से जाए। डॉक्टर हमेशा धरती पर भगवान का रूप थे और रहेंगे। के बारे में कुछ भी कहना तो बहुत कम ही होगा, क्योंकि जैसा कि आज ये भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं डॉक्टर धरती पे, एक जन्म देने वाला भगवान माना जाता है, लेकिन उस जन्म को बचाने वाले जो धरती पे हैं वो हमारे डॉक्टर साहब ही हैं। और जैसा कि कोरोना काल में ये हुआ है, उन्होंने शायद जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, चाहे जो भी हैं, उन्होंने अपनी जी जान पे खेल के अपने मतलब मानवता को बचाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और उसको मतलब किसी भी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति या किसी कोई कर नहीं सकता है, किसी कोई भी शब्द नहीं है कि कोई भी शब्द कम पड़ जाएगा इनको धन्यवाद देने के लिए। और हम बस यही है, डॉक्टर डे पे यही करेंगे कि डॉक्टर साहब लोग अपना काम और ईमानदारी से करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ तरीके से मिले, ताकि लोगों को अपना इलाज होता ठीक से। आज इस डॉक्टर डे के दिन पर स्टार सिटी 24 के पूरे परिवार की ओर से सभी डॉक्टरों को बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।